चंडीगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और मनीमाजरा के लोगों को 24 घंटे जो जल आपूर्ति परियोजना है उसका आज शुरुआत की गई है, उनको लोगों को सौगात दी है। लेकिन वहां से अगर हम बात करें जो परियोजनाएं दी गई हैं, लोगों को जो सौगात दी गई है, चंडीगढ़ के मेयर वहां पर नदारद थे। क्यों नदारद थे? चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर हैं, महापौर हैं। मेयर साहब, क्योंकि आज गृह मंत्री चंडीगढ़ में हैं और कई बड़ी परियोजना की बात की गई है, जल आपूर्ति की बात की गई है 24 घंटे, और जो लीकेज की बात थी, जो पानी फिल्टर की बात की गई थी, वो आज दिया गया है। लेकिन आप या आपकी जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, सांसद मनीष तिवारी है, वो नदारद रहे, कारण क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका राठी जी, कम से कम आप पूछने तो आए। यहाँ तो कोई पूछने भी नहीं आया हमें कि आप लोग बायकॉट कर क्यों रहे हैं। बेसिकली बायकॉट करने के हमारे दो तीन ही कारण थे। कारण पहला तो ये बताऊंगा कि 24 घंटे पानी हमारी चंडीगढ़ की जनता ने मांगा नहीं था, जो उनपे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। और रही बात, जैसे कि आप बता रहे हैं कि फिल्टर वाला पानी मिलेगा, आरओ वाला पानी मिलेगा, तो चंडीगढ़ में वैसे ही स्वच्छ जल मिल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है। हमारा जो सेक्टर 39 का 39 का वाटर वर्कर्स है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से हम पानी को ट्रीट करके ही पूर्ति कराते हैं। जरूरत नहीं है चंडीगढ़ में आरओ लगाने की। परंतु उसके बावजूद, जैसे कि अमित शाह जी बोल रहे हैं यहाँ पर फिल्टर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बोतल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीजें चंडीगढ़ की जनता को ऑलरेडी मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने आज कही होगी कि चंडीगढ़ में 24/7 को लेके लोगों की नीड है आज के टाइम में, जो हमने प्रस्ताव पारित किया था हाउस के अंदर 20,000 लीटर पानी फ्री देने का, वो हमारे माननीय पूर्व जो प्रशासक थे बनवारी लाल पुरोहित जी ने स्टेज के ऊपर से हमें मना कर दिया गया, जनता की आवाज को दरकिनार कर दिया गया। यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं अफसरशाही इतनी हावी हो सकी है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को दरकिनार किया जा रहा है। पहले हमारे लास्ट ईयर जो थे हमारे के यादव जी कमिश्नर, वो कहते थे पानी की बर्बादी बहुत हो रही है तो दोपहर का पानी हम बंद कर देते हैं। आज नवे अफसर आ गए, वो कहते हैं जी पानी की बर्बादी ज्यादा हो रही है तो हम 24/7 पानी देंगे तो उससे पानी की जो है बर्बादी कम हो जाएगी। कैसा दोहरा मापदंड है? एक अफसर कह रहा है कि पानी की बर्बादी ज्यादा हो रही है इसलिए दोपहर का पानी बंद कर दें, एक अफसर आगे कह रहा है जी पानी की बर्बादी ज्यादा ना हो इसलिए हम 24/7 पानी देंगे। मतलब हर तरह से अपने ही तरीके से चलाना सोच रहे हैं चंडीगढ़ को, जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किया जा रहा है। गवर्नर साहब हमारे गुलाबचंद कटारिया जी आए जी। वहां पर बुलाया नहीं जाता जनप्रतिनिधियों को, ना ही सांसद को बुलाया गया, ना ही मेयर को बुलाया गया। क्या सब कुछ अधिकारियों ने ही करना है? ये और सब कुछ अधिकारियों ने करना है तो फिर खत्म करें ना, जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं 5 साल के बाद हम लोगों के बीच में जाके हम वोटें मांगते हैं, उनके जो समस्याएं हैं उन्हें पूरा करने की हम कहते हैं हम कोशिश करेंगे, हम करवा के देंगे आपको, जब सारा सिस्टम ही अफसरों ने चलाना है तो बंद कर देना। ये सर आप कह रहे हैं कि आप लोगों को इन्विटेशन ही नहीं दिया गया आम आदमी पार्टी, क्योंकि चलो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आप तो मेयर हैं चंडीगढ़ के और सांसद मनीष तिवारी हैं, आप कह रहे हैं आपको इन्वाइट ही नहीं किया गया, बड़ी बात है। बिल्कुल, गुलाबचंद कटारिया जी के रिसेप्शन पार्टी में हमें इनविटेशन नहीं आया। दूसरा, आज के प्रोग्राम का इनविटेशन आया जरूर था, परंतु अगर आप देखें कि इनविटेशन के अंदर ना तो सांसद जी का नाम था मनीष तिवारी जी का, ना ही चंडीगढ़ के मेयर का नाम था। कब तक अपने अफसरशाही चलाते रहेंगे? जनप्रतिनिधि को पूछा नहीं जा रहा है तो ऐसे थोड़े ना चलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे बेकसूर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को बिना कसूर के उन्हें जेल के पीछे बंद किया गया, आज तक उनपे कोई आरोप सिद्ध नहीं कर सके, हूँ बस हवा में बातें करनी तो जानते हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा चंडीगढ़ को टॉप लिस्ट में रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, 91 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स थे उसमें काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में जो पैसे लगाए जा रहे हैं वो चंडीगढ़ की जनता के लिए डेवलपमेंट्स की लगाए जा रहे हैं, वाटर बस की अगर हम बात करें या डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें उसमें लगाए जा रहे हैं। सुना मैंने भाषण उनका, वो कह रहे जी हम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट की है वो आपने भी देखा है चंडीगढ़ में क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमारा मार्च में हमने बजट पास किया जिसे रोक दिया गया,
कोड ऑफ कंडक्ट का नाम देके या उससे पहले का भी हम पास नहीं करेंगे। बजट हमने थोड़ी ना बनाया था, अफसरों ने बनाया था। वो दो तीन महीने लटका के रखा गया, दिया कब गया, जून के लास्ट में जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, और उस पे भी हमें पूरा धनराशि नहीं दी जा रही, उस पे भी हमें रोक रोक के पैसे दिए जा रहे हैं। किस चीज की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? आज एमसी के पास करीबन 60 करोड़ रुपए सैलरी देने के लिए कई बार पैसा भी नहीं होता। वो कैसे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, उन्हें नहीं दिखता कैसे अरेंजमेंट कर रहे होंगे। लेकिन मेरे साहब, आपको लगता कि ये पॉलिटिकली के चलते कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक रही है? चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, आपसी जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, विवाद तो बढ़ना जायज है। उनकी अपेक्षाओं के परे चंडीगढ़ की जनता ने मेयर आम आदमी पार्टी का बनाया, सांसद कांग्रेस का बनाया, तो खिंचातान तो होनी था ना। इनकी जितनी भी उम्मीदें थी सब पे पानी फिर गया। जब उम्मीदों पे पानी फिर गया, अफसरशाही तो इनकी है ना। बिल्कुल। अब अफसरशाही अगर सेंटर से हमारे जो प्रशासक हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, और जो भी अधिकारी आगे, सीनियर सिटी जो भी सीनियर अधिकारी आगे, वो सब बीजेपी की बात करेंगे, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है, तो खिंचातान तो अपने आप होनी है। अब आपकी रणनीति क्या है? और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है चंडीगढ़ की जनता का हो रहा है, और मैं एक्सपेक्टेबल करता हूं कि ये नुकसान आगे हम होने नहीं देंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखेंगे, अपनी पूरी आवाज। कैसे चलेगा? गवर्नर जी से भी मिल लिया आप, उनको अपना प्रपोजल भी दिया, हालांकि अब गवर्नर चेंज हुए हैं, गुलाब चंद कटारिया आए हैं, अगली रणनीति क्या है? फिर दोबारा से कोई जो 20,000 लीटर या फ्री जो बात की गई थी, या फिर बिजली की बात की गई थी, उसको लेकर कोई बातचीत? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बातें हैं अभी तक हमारी कोई गुलाब चंद कटारिया से बात नहीं हुई है। बहुत जल्द उनसे मुलाकात करके ये बात रखी जाएगी कि चंडीगढ़ की बेसिक नीडों में क्या क्या शामिल है, हम चंडीगढ़ की जनता को कैसे राहत दे सकते हैं, वो सारी बातें उनसे डिस्कस की जाएगी बहुत जल्दी मीटिंग करके। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि जहां तक मैंने सुना है, गुलाब चंद कटारिया जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, और हमारी बातों को गहनता से सुनेंगे भी, और उस पर विचार भी करेंगे, और शायद लागू भी करें।